हेलो दोस्तों, शरी मूड में आपका स्वागत है। बिहार विशेष का ये पार्ट 11th है। अब डेली आपको बिहार विशेष से मिलेगा। इधर बीच कुछ काम आ गया था। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये बिहार में स्थित है। अगर देता है राज्य का नाम तब बिहार लगाइएगा। और बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण वो जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में। वो वैसा जिला जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो वो पश्चिमी चंपारण का है। अगर जनसंख्या के पूछा है सबसे ज़्यादा किस जनसंख्या के जिला कौन है सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा आपका पटना। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है। जो भारत का मानक समय है और पटना का स्थानीय समय है, इनमें भारत का जो मानक समय है ये लंदन के जो ग्रीनविच समय है उससे 5.5 घंटा आगे है। और भारत का जो ये पार होता है ये 82.5 डिग्री से पार होता है। ठीक, 82.5 डिग्री से पार होता है और 82.5 डिग्री देशांतर से पार होता है। इस बात को याद में रखिएगा। देशांतर वो जो टाइम दिखा जाता है वो देशांतर रेखा पर दिखा जाता है। और वो ग्रेट ब्रिटेन जो लंदन है वहाँ से शुरुआत होता है, तो उससे आगे है हमारा भारत। और भारत में अगर बिहार का पूछे कि कितने टाइम का अंतर हो जाता है, तो ये 15 मिनट का अंतर होता है। मीन्स कि 15 मिनट, जैसे कि ये हुआ आपका मेन, मान लीजिए इंडिया वाला, तो ये हमारा बिहार इतना आगे है तो 15 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और ये बीपीएससी, इस बार जो 65वीं बीपीएससी 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम था उसका ये क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूँ जब बिहार विशेष शुरुआत किया था तभी। तो अगर ये बिहार विशेष का अगर सीरीज आप देखते रहते हैं, तो बीपीएससी बिहार जो दरोगा की एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार पुलिस, आप अच्छे से कर सकते हैं। बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो गोपालगंज का है। गोपालगंज, मैंने बताया था ट्रिक भी याद करने का, कि गोपालगंज, सिवान और सारण तीनों एक ही जगह स्थित है। ठीक, सबसे पहले उधर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, ऐसे याद कर सकते हैं। और तीनों ये अपने आप में भाई बोलते हैं, पहले एक ही जिले का भाग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपालगंज। और दूसरे स्थान पर सिवान आता है, तीसरे स्थान पर छपरा आता है, मीन्स कि सारण जिसे बोला जाता है। ये तीनों जिला लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार में सबसे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार में महावीर कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है। जो महावीर कैंसर संस्थान है बिहार में स्थित है, ये पटना में ही स्थित है, पटना के फुलवारी में स्थित है। एक पटना के फुलवारी में स्थित है ये महावीर कैंसर संस्थान है। ये पहले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। अभी फिलहाल कल परसों का मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पटना हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और बीपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था कि जो हमारे फगु चौहान जो नए राज्यपाल बने थे, लालजी टंडन के बाद जो अभी फिलहाल फगु चौहान राज्यपाल है जो बने थे, उनको कौन शपथ दिलाया था। तो एक बात समझ लीजिए कि दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जो दरोगा के एग्जाम देने वाले होंगे, इस क्वेश्चन को एकदम वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक, अभी जो है पटना हाईकोर्ट जो स्थित है, ये पटना में, बिहार के हाईकोर्ट पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था। और अभी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये संजय करोल है, संजय करोल, और इससे पहले ए पी शाही थे। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं न्यूज़ चैनल से लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए पी शाही के तबादला हुआ। अब वो त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कर, जो कि अब यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये कौन, संजय करोल। ये भी पूछ सकता है, इससे पहले किसके थे, त्रिपुरा के थे। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ए पी शाही मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ए पी शाही मद्रास में चले गए हैं और जो करोल जो त्रिपुरा के थे वो पटना में आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए, इसी तरह जस्टिस राकेश कुमार का तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया है। ये जस्टिस है यहाँ के, ये आंध्र प्रदेश में हो गया इनका तबादला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। पटना में स्थित है कि सासाराम में स्थित है, बेगूसराय में कि मुजफ्फरपुर में, ये आपको स्थित है सी बेगूसराय में। कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि भीम बांध गर्म जल कुंड जो है ये किस जिले में स्थित है। जो भीम बांध गर्म जल कुंड है ये किस जिले में स्थित है, बक्सर में, भागलपुर में, पूर्णिया में या मुंगेर में। ये मुंगेर जिला में स्थित है, जो भीम बांध के नाम से जाना जाता है ये मुंगेर में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बांध से भी क्वेश्चन आता है। और जितना भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में टेक्स्ट बुक बनता है वो भवन कहाँ स्थित है। बिहार में टेक्स्ट बुक भवन कहाँ स्थित है, तो ये बेतिया में स्थित है, बेतिया में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 थी कि अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी के बात हम कर रहे हैं, फिलहाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो फगु चौहान तो यहाँ के राज्यपाल है, अभी विजय कुमार चौधरी जो है ना, अभी विधानसभा के जो बिहार विधानसभा है जिसका सीट कितना है, तो 243 है। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो ये 75 सीट है। ठीक, तो विधान परिषद का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि उसका अध्यक्ष कौन है। अभी आपको याद करना है कि इसका
अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी है। क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी देखते चलना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज 10 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आज हम बिजी हैं काफ़ी। यहाँ पर आपको गर्दनी बाग में आज लड़की सबका, सब जो इंस्पेक्टर का हो रहा है, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का फिजिकल, कल लड़के सबका था, इसमें ही काफ़ी बिजी है। तो आज क्वेश्चन 10 ही लिए हैं। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? जो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था ये दाऊद खां करारानी था, ठीक, करारानी इसका नाम था, दाऊद खां करारानी ये अंतिम सुल्तान था बिहार का, ठीक। जो इब्राहिम इस्लाम, जो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए, इब्राहिम शाह सूर जो था, या इस्लामिक शाह सूर आप बोल सकते हैं, वो सूर शेर शाह सूरी का बेटा था अगर पूछा जाए तो। ये क्वेश्चन 10 था। देखिए अगर आप अभी तो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो काफ़ी बिजी थे इसलिए वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं डाल पाए, शाम को पूरे से डाला जाएगा, बस थ्योरी ही दिए हुए हैं। तो आज काफ़ी बिजी थे, कल भी बिजी थे, इसके लिए सॉरी। और कल से सब टाइम टू टाइम आपका आते रहेगा। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये कर सकते हैं, ये आपको 400 रुपये फ़ी है और इसका आप 50 डेज़ का कोर्स है, आपको स्टडी प्लान है। टेलीग्राम पर सभी PDF में मटेरियल मिलेंगे, 50 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी, और डाउट क्लियर भी किया जाएगा आपको अगर कॉल पर बात करना चाहते हैं तो। आपको क्या करना होगा कि आप पेटीएम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, या बैंक में पैसा डाला उसका स्लिप का फोटो भेज सकते हैं, या पेटीएम नंबर दिया हुआ है, गूगल पे नंबर दिया हुआ है, और फोन पे नंबर दिया है, इसमें से किसी पर आप क्या कर सकते हैं कि पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर और इस नंबर पर आपको भेजना है। इससे पहले क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेने से पहले अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, साथ में अपना टेलीग्राम नंबर याद रखिएगा। कभी भी टेलीग्राम नंबर पर जो भी जाएंगे वो टेलीग्राम, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और यही है, अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कल से ये स्टार्ट होने वाला था लेकिन काफ़ी समय चल रहा है दौड़, तो उसमें व्यस्त होने के कारण नहीं हो पाया था, तो आज से शुरू हो जाएगा ये। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।